मैं जानता था तुम जरूर आओगी बिकॉज माई बाबा इज मोर पावरफुल देन योर बाबा और मेरे बाबा ने कहा था कि नंदिनी इटली जरूर आएगी और नंदिनी इटली आ गई. आओ मैं सीरी से नहीं चाह रहा हूं. You are here. मैंने तुमसे कहा था ना तितली यू आर कमिंग टू इटली और तुम तारों से लड़ झगड़ कर उन्हें नोच कर तुमने अपनी तकदीर बदल दी. I miss you so much. So much. I love you. और आज का शो इट्स गोना बी फैंटास्टिक. हर शो के बाद यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है जो कुछ इंडियंस ने बनाया है. वहां जाएंगे और देवी माँ और मेरी माँ के सामने we'll get married. And we'll live happily ever after. क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया? तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? मेरी आंखों में देखो नंदिनी. ओह माय गॉड, जो प्यार मुझे तुम्हारी आंखों में दिखाई देता था आज वो प्यार नहीं है. तुम बदल गई हो. हाँ, मैं बदल गई हूं. हालात भी बदल गए हैं. तुमने मुझे बहुत प्यार दिया समीर. उसी प्यार की खातिर मैं सात समंदर पार करके आई थी मगर अब तुम्हारे मेरे बीच के सात कदम मैं पार नहीं कर सकती. तुमने मुझे प्यार करना सिखाया समीर मगर प्यार निभाना मैंने अपने पति से सीखा है. समीर, मेरी शादी हो चुकी है. बाबा को दिया वचन निभाकर तुमने अपना फर्ज निभाया पर जानते हो शादी के बाद जब मेरे पति जान गए कि मेरी असली खुशी तुम्हारे साथ है उन्होंने क्या किया? दुनिया की परवाह किए बगैर अपनी खुशी के बारे में न सोचते हुए मुझे यहां लेकर आए तुमसे मिलवाने शादी की वो कसम निभाने कि वो मुझे मेरी हर खुशी देंगे. तभी मुझे एहसास हुआ कि कुर्बानी ही सच्चे प्यार का आधार है. अब मुझे मेरा फर्ज निभाना है और मुझे उन्हीं के पास जाना होगा. हो सके तो मुझे माफ कर दो. मुझे इजाजत हो समीर. इजाजत दे दी लेकिन क्या मैं उसे ऐसे कोई जरूरी नहीं है नहीं लेकिन बस मैं देखना चाहता हूं कि वो कौन खुश नसीब है. वनराज. हाँ अभी अभी मिल चुका मैं उसे. बहुत सिंपल सा आदमी है. इज अ वेरी गुड मैन. मैंने उसे गाना भी सिखाया ढोली तारो. बहुत बुरा गाता है ना. बहुत बुरा गाता है लेकिन तुमसे बहुत प्यार करता है. बहुत प्यार करता है तुमसे. हम दोनों ने तुम्हारे लिए दुआ भी मांगी और मैंने उसकी बात डायरेक्टली बाबा से करा दी और मैंने बाबा को बोला कि इसे जो भी चाहिए आपसे दे दो मेरे खाते में. और वैसे बाबा तो मेरी कभी बात मानते हैं नहीं लेकिन इस बार फट से मान ली. आप रुको मैं आपसे बाद में बात करता हूं. लोग कहते हैं ना कि उसने उसके लिए सात समुद्र पार किया लेकिन आजकल के जठेज में क्या है प्लेन में बैठो सात समुद्र पार सात घंटों में. लेकिन अभी तुम्हें उसके साथ साथ जन्म निभाने जो सात मिनट तुमने मेरे साथ बिताए वो मेरे लिए सात जन्मों के लिए काफी मेरे लिए लेकिन उससे ज्यादा नहीं क्योंकि आठवें जन्म में तुम मेरी होगी सिर्फ मेरी. And at that time, no वनराज प्लीज. और नंदू तुम मुझे इस तरह मत देखो क्योंकि तुम्हें मुझसे फिर से प्यार हो जाएगा. जाओ 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 क्योंकि मैं रोता हूं बहुत बुरा दिखता हूं.
चली गई। अब आप मेरी बात सुनो, बचपन से लेके आज तक मैं आपसे बात करते आया हूं। सब लोगों ने मुझसे कहा कि समीर तेरे बाबा मर गए, तेरे बाबा मर गए, लेकिन मैंने आपको जिंदा रखा यहां पे। कुछ नहीं मांगा, सिर्फ नंदनी चली गई। चलो उस पे वरना कहा के शादी की, लेकिन मेरा भी हक बनता है, आज इनकार मत करना। मैं आपसे एक चीज मांगता हूं, एक बार मुझे गले लगा लो बाबा प्लीज।